छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बीएसएफ ग्रामीणों का भरोसा जीतने में सफल रहा है। गुरुवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए बीएसएफ द्वारा बताया गया कि 18 जनवरी 2013 को मुख्यालय के निर्देशानुसार सीमांत मुख्यालय महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ के रूप में गठन किया गया और 7 फरवरी 2013 को प्रभावी रूप से कार्य करना आरम्भ कर दिया गया। वर्तमान में सीमांत मुख्यालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 2 क्षेत्रीय मुख्यालय भिलाई एवं दुर्ग और 8 वाहनियां तैनात हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सल समस्या के समाधान के लिए वर्ष 2009 में सीमा सुरक्षा बल को कांकेर जिले में तैनात किया गया। कांकेर के अति संवेदनशील भीड़ों एवं दूरस्थ ग्रामीण एवं जंगली इलाकों में सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियां कठिनाइयों से लड़ते हुए तैनात हुई, जिसके तहत सीमा सुरक्षा बल अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक अंजाम दे रहा है। लेकिन जो नक्सल्स हैं वो नहीं चाहते कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज वहाँ पे हों, रोड बने, टावर लगे और ब्रिज बने, लेकिन पब्लिक हमारे फेवर में है और ये पब्लिक चाहती है कि इलाके का विकास हो और इस तरह के कार्य हम इस इलाके में कर रहे हैं ताकि वो मेन स्ट्रीम में वहाँ की पब्लिक शामिल हो।